और यहां आपको मुल्तान में वकला गर्दी के बारे में अपडेट करें, जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकील के बेटे के खिलाफ अदालत में दरखास्त देने के लिए आने वाले शहरी को वकला ने तशद्दुद का निशाना बनाया है। मजीद बात करते हैं इसी बारे अपने नुमाइंदे तैयब सैफ से। तैयब, बताइएगा ये क्या माजरा है, खुद ही पीटा और फिर खुद ही मजलूम बनते हुए शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया? जी बिल्कुल, ये कच्ची सराय के रहायशी थे मंजूर अहमद और इनका हम शायद अब्दुल कयूम एडवोकेट, क्योंकि आपस के बेटों की लड़ाई हुई और अब्दुल कयूम एडवोकेट के बेटे के खिलाफ जो है शहरी मंजूर अहमद जो है अपने ही बेटे का मुदई बन के जब अदालत में पहुंचा तो वहां पर अब्दुल कयूम एडवोकेट ने उसको अदालत में जाने से रोक दिया और वहीं उसको तशद्दुद का निशाना बनाया अदालत में जाने से पहले ही। तो जब मामला जब हाथ से बड़ा तो शहरी ने भी अब्दुल कयूम एडवोकेट को थप्पड़ों की बारिश कर दी उसके ऊपर, जबकि दूसरे जो वकील थे वो भी उसकी लड़ाई के अंदर कूद पड़े और उन्होंने जो मंजूर अहमद शहरी था कच्ची सराय का उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में पुलिस के हवाले करके खुद मजलूम बनना शुरू कर दिया है। वकला ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया।